गाजा में अब तक 1800 बच्चों की मौत हो गई है। फिलिस्तीनी पीएम का बहुत बड़ा दावा है कि बच्चों के साथ महिलाओं पर भी बड़ा बुरा असर हुआ है। 2 हफ्ते से ज्यादा समय से गाजा पर हमला जारी है। इजरायली हमले में गाजा में भारी तबाही मची है। और आइए कुछ आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि गाजा में वॉर का असर महिलाओं और बच्चों पर किस हद तक पड़ा है। यूएन की ये रिपोर्ट है जो हम आपको बताने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन वॉल पर। देखिए अभी तक जो जानकारी है 20 अक्टूबर तक के हम आपको आंकड़े बता रहे हैं। इसका सोर्स है यूएन विमेन। देखिए घायल महिलाएं और बच्चे अभी तक 6625 की संख्या में बताए जा रहे हैं जो कि घायल हैं। विस्थापित महिलाएं और लड़कियां 4,93,000 के करीब है। ये है डेटा 20 अक्टूबर तक का। घर के मुखिया को खोने वाली महिलाएं 900 हैं। 900 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने हेड ऑफ द फैमिली खो दिया है। वहीं पिता को खो चुके बच्चे 3,103 की संख्या में हैं। ये पूरा डेटा है। गर्भ कहता है कि गर्भवती महिलाएं इस वॉर के बीच 50,000 की संख्या में हैं इस वक्त। और साथ ही अगले एक महीने के अंदर माँ बनने वाली 5,522 महिलाएं हैं। तो इतने बुरे हालातों के बीच युद्ध चल रहा है। बेकसूर लोगों की जाने जा रही हैं जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।